गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एसएसटी सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने रिसोर्सेज जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था, जो संसाधन होते हैं हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं और कौन से होते हैं। इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमने पढ़ लिया था, जिसमें जो नवीनीकरण वाले और अनवीनीकरण वाले जो रिसोर्सेज थे, रिन्यूएबल और न्यूएबल, उनको हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स आता है सेकंड नंबर पर, उसके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनकी जो नेचुरल फॉर्म होती है, मतलब उनको उसी तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, उसी के बाद हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। आयरन वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न द एक्सटेंट ऑफ आयरन फ्रॉम इट। मतलब जो लो अयस्क जो होता है उसको हम क्या है, डायरेक्ट उस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर जब उस लोहे को किसी औजार के रूप में डाला जाता है या उससे कोई और यंत्र बनाए जाते हैं, तो उसके बाद वो लोहा हमारे लिए कैसे हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि उसकी जो नेचुरल फॉर्म होती है वो यूजेबल नहीं होती है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उसको किसी और आकार में डाला जाए, किसी और अपनी टेक्नोलॉजी लगा के उसको एक नया रूप दिया जाए, तो उसको हम जो यूज करते हैं तो वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो हम बनाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स का हम यूज करते हैं, किसमें, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, या कोई ऐसा मशीनरी काम हो जिसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हो, और उनको हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब इन कामों में यूज होने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी यूज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि हर नेचुरल रिसोर्स को चेंज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और वो किसके अंतर्गत आती है, ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत। फिर देखिए, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इसीलिए लोग ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को से ज़्यादा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है और वो थोड़ी और अच्छी तरह से हमारे यूजफुल हो जाते हैं। फिर देखिए, ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन जो होता है वो क्या होता है उसका देखिए, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, नेचर को और बेस्ट बना सकते हैं, मतलब नेचर से मिलने वाली चीज़ों को और भी अच्छा बना सकते हैं, उन संसाधनों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। किससे, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी स्किल्स से, अपने कौशल से और अपनी टेक्नोलॉजी से, मतलब उस चीज़ में वो बेहतरीन से बेहतरीन इम्प्रूवमेंट करके उस चीज़ को और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज, और यही एक वजह है कि जो मानव संसाधन है वो एक स्पेशल संसाधन है, स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, और जो मानव संसाधन के अंदर जो लोग होते हैं वो मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन इन हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्स। मतलब एजुकेशन, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो मानव संसाधन को क्या बनाती है, अमूल्य बना, एक मूल्यवान वस्तु बनाती है, एक मूल्यवान चीज बनाती है। क्यों, इम्प्रूविंग द क्वालिटी पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इन नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से क्या होता है, उनकी स्किल पावर मजबूत होती है, उनका नॉलेज बढ़ता है, जिससे क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा और इन्वेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज कर सकते हैं। और हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके क्या होगा, क्योंकि ये मानव रिसोर्स, हाँ ह्यूमन रिसोर्स आई क्या रहा है, मानव मतलब हमसे जुड़ा हुआ है, तो ये दो चीज़ हमारे अंदर इम्प्रूव होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, जो संसाधन
जो सीमित संसाधन है, अगर कोई चीज उनमें अगर कमी आ रही हो तो फिर उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, कैसे उनको कंजर्व किया जाए। तो देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब जो रिसोर्सेज है जिनको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बहुत ज़रूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मतलब और इनको रिन्यू करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सिंग कंजर्व, मतलब संसाधन संरक्षण कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जरूरत के हिसाब से उनका क्या करना, बैलेंस निर्धारण करना पड़ता है, और ऐसे जो संसाधन होता है जिनका संरक्षण फ्यूचर के लिए हम उनको सेव करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब सतत पोषणीय विकास कहा जाता है उनको। देर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। इसके लिए बहुत तरह के अलग अलग के साधन होते हैं जिनसे हम, बहुत सारे ऐसे रास्ते जिनसे हम इनको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। मतलब किस तरह से किया जा सकता है कि लोग क्या करें, अपना उसमें सहयोग दे, किस तरह से दे कि उनका एक तो बहुत सीमित रूप से उपयोग करें, इसके अलावा जो रीयूजेबल चीज़ें उनकी ज़्यादा यूज करें, जैसे कि जो क्या होती है जल्दी से बन सकती हो वापस, ऐसी रीन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं उनका यूज करें, रिसाइकलिंग का यूज़ करें, ताकि क्या एक चीज़ को वापस डबल बार यूज में लाया जा सके। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और यही एक तरीका है जो जिससे क्या हो सकती है, हमारी जो जिंदगी है, मतलब हमारी जो जीवन है वो उससे जुड़ा हुआ है, और यही एक तरीका है जिससे हमारे संसाधन क्या हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं, है ना, सेव हो सकते हैं। फिर बाद में देखिए, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम सेड आशा, एवरी ड्रॉप्ड वाटर इज प्रीशियस। मतलब इसमें किसकी महत्वता बताई गई है, पानी की। पानी को भी हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी भी क्या होता है, बहुत प्रीशियस होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पानी अपने पास अवेलेबल है जो यूज करने लायक हो, वो 25% ही है, वरना तो पानी की पृथ्वी पर बहुत अधिकता है, लेकिन जो यूजेबल वाटर है उसकी अधिकता कम है। तो इस वजह से पानी का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए अलग अलग तरह की क्या करनी चाहिए, एबिलिटी, मतलब ऐसी क्षमताएँ विकसित करनी चाहिए जिससे क्या कर सके, हम लाइफ सिस्टम को आसानी से भी चला सके, और क्या कर सके, नेचर को भी हम बचा सके। मतलब हमारा जीवन भी आसानी से चले और नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हो, हमारे प्लेनेट को भी कोई नुकसान नहीं हो। देयरफॉर इज अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। इसके लिए हमारी क्या ड्यूटीज, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, ऑल यूजेज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। मतलब जिसने भी हमारे जो रीन्यूएबल, मतलब जो नवीनीकरण वाले जो संसाधन हैं, उनका हम क्या करें, बिल्कुल फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उपयोग करें उनका। फिर बाद में द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। मतलब हमारी जो लाइफ असमानता या समानताएँ फैली हुई है उनको हम क्या करें, संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। द डैमेज ऑफ नेचर एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। और जो पर्यावरण का हम जो नुकसान कर रहे हैं, उस नुकसान को हम क्या करें, थोड़ा कम कर दें। मतलब हमारी वजह से पर्यावरण को जो नुकसान पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हमारे संसाधनों में भी कमी आ रही है, तो हम उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन संसाधनों का सीमित उपयोग करें, और जो पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उस नुकसान में हम क्या करें, बदलाव लाए, ताकि नुकसान हम जितना हो सके उतना कम पहुंचाए। फिर देखिए, सब प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है वो देखिए, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब जितनी जीवन की जितनी भी फॉर्म्स है, जितनी भी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएँ हैं, उनकी हम क्या करें, रेस्पेक्ट करें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब हमारी लाइफ की जो क्वालिटीज़ है, ह्यूमन लाइफ की, मानव जीवन शैली की जो क्वालिटीज़ है, जो भिन्नताएँ हैं, उनको हम क्या करें, इम्प्रूव करें। कंजर्व द अर्थ वैलिटी एंड डाइवर्सिटी। मतलब जो पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न जैविक विविधताएँ हैं, विभिन्नताएँ हैं, उनको हम क्या करें, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, उनको संरक्षण प्रदान करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। मतलब जो नेचर रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम दोहन करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड
एंड प्रैक्टिसाइज टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो पर्सनल जो व्यवहार है उसको हम बदले और हमारा जो झुकाव किसकी तरफ बढ़े, पर्यावरण की तरफ बढ़े, मतलब हम उसकी तरफ पर्यावरण के प्रति कुछ और कार्य करें, जैसे कि पेड़ पौधे लगाए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कम से कम उपयोग करें, तो ये चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर दियर ओन एनवायरनमेंट, मतलब ऐसी कुछ कमिटीज़ बनाई जाइए जो किसके लिए कार्य करें, पर्यावरण के लिए, मतलब ऐसी कुछ समितियाँ का या ग्रुप्स का निर्माण किया जाना चाहिए जो पर्यावरण के लिए वर्क करें। तो हमारा ये चैप्टर यही एंड होता है, हमारा फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा, उनके उपयोग के बारे में पढ़ा है, फिर वो किस मात्रा के आधार पर, किस क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं वो पढ़ा है, ये कितने प्रकार के होते हैं जिसमें नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स, इन तीनों के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। और एक चीज़ और पढ़ी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के बारे में उसके प्रिंसिपल्स देखे, उसकी डेफिनेशन देखी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि मैं साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो आप नोटबुक निकालिए मेरे साथ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, मतलब संसाधनों का फैलाव असीमित रूप से क्यों फैलाव है हमारी अर्थ के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग्स लिख लीजिए पहले, आंसर द फॉलोइंग्स, क्वेश्चन तो नंबर वन देखिए, व्हाई आर रिसोर्सेस, व्हाई आर रिसोर्सेस, व्हाई आर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो आंसर देखिए इसका, अर्थ हैज डिफरेंट टोपोग्राफी, अर्थ हैज डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ए डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट इन दीज फैक्टर्स एट एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंस इन दीज डिफरेंस इन दीज फैक्टर्स हैव रिजल्टेड फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन अनइक्वल इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ओवर द अर्थ, ओवर द अर्थ also all these factors also all these
फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ on the earth. Moreover, the level of development development and technological and technological levels determine the distribution. तो इसके अंदर क्या असीमित क्यों होते हैं संसाधन, क्योंकि क्या बताया गया, अर्थ इज डिफरेंट टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है, अलग तरह की जलवायु है, अलग तरह की ऊंचाई है, मतलब अलग अलग बनावट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, इन संसाधनों का जो वितरण है वो असीमित रूप से पाया जाता है, क्योंकि सब जगह पर सेम संसाधन नहीं पाए जाते, कहीं पर तेल की मात्रा अधिक है, कहीं पर गैस की मात्रा अधिक है, या कहीं पर किसी और अयस्क की मात्रा अधिक है, तो सब जगह पर क्या होता है, अलग अलग से तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, ये हमने अभी पढ़ा था, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, तो संसाधन संरक्षण क्या होता है, आंसर देखिए इसका, इसका शॉर्ट में देख लेते, पहले यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली, यूजिंग resources carefully, using resources carefully and giving them time to get and giving them time to get them time to get renewable resources renewed is called resource conservation, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा हम कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स डाल सकते हैं, वो लाइंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट में कि देर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन और रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, मतलब जो हमने लास्ट में लाइन पढ़ी थी ना, इसके अलावा हम और संरक्षण कैसे कर सकते हैं वो चीज़ भी आप इसमें चाहो तो लिख सकते हो, जिसमें क्या, जैसे पुनर्चक्रण के द्वारा, रिसाइकलिंग के द्वारा, या फिर उन संसाधनों का सीमित उपयोग करके, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो उस तरह से अगर हम वो चीज़ भी चाहे तो वो इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखाई है। फिर बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए,
व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? ये आंसर हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेस इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्यों है मानव संसाधन? आंसर लिखिए, ह्यूमंस एज ए रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमंस एज ए resource are important because they have the ability ability to extract value from all other resources, they can make the best use, of nature to create more, resources as they have the knowledge, skills and technology to do so education and health help in making human is valuable resource. तो इसके अंदर क्या बताया गया है, क्यों मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि मानव क्या कर सकता है, अगर मानव चाहे तो एक मतलब अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स और नॉलेज लगाकर एक नया रूप दे सकता है, नया आयाम प्रदान कर सकता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज
What is sustainable sustainable development? आंसर देखिए क्या होता है. सतत पोषणीय विकास, बैलेंसिंग द नीड टू यूज बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर and also conserve them for the future is called the future is called sustainable डेवलपमेंट. ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ही हो गए. इसमें आप चाहो तो एक आपके टॉपिक दिया हुआ है उसको भी आप इसमें नोट कर सकते हो, पर शॉर्ट में याद करेंगे हम इसको तो सतत पोषणीय विकास के हम क्या लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं. उसके बाद में टिक द करेक्ट आंसर्स के अंदर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स. तो इसमें किसका यूज नहीं होता है, मात्रा क्वांटिटी. तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट में सी है क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी इस पे आप टिक कर लीजिए. डायरेक्ट आंसर करवा रही हूं मैं ये आपको. ठीक है, फिर बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर. तो इसमें ए वाला जो है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, टू ट्रीट कैंसर. ठीक है, फिर लास्ट देख लीजिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्या होते हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग और ड्राइड फ्रॉम नॉन लिविंग. तो दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इसमें भी ए है, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक. तो ये लेसन आपका यही कंप्लीट होता है. अगर फिर भी क्वेश्चन आंसर और लेसन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. फिर मैंने सारे आंसर्स आपको करा दिए और इसमें कुछ और आंसर अगर आप डीपली ऐड करना चाहो तो वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी. आप चाहो तो इसके आगे उसको नोट कर सकते हो और अगर इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करता हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. थैंक यू.